डॉक्टर ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं जी, बस इन यही कहा था कि ग्लूकोज लगाओ। तुम्हें क्या लगता है कैसी हालत है? ठीक नहीं लगती, नब्ज बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो क्या खान मर जाएगा? नहीं, अल्लाह ना करे। वैसे कुछ कह नहीं सकते। नहीं, इसे नहीं मरना चाहिए। मैंने बहुत सा हिसाब लेना इसे। इसे तो उठे और मेरी याददाश्त सुने। आप अंदर चलें, अपने कमरे में जाएं। क्यों, क्या उसे ये बोलता क्यों नहीं? इसे तो उठे, मैं इसे बताना चाहती हूं मुझे क्यों नफरत है इससे। रवि बात कर लें, पता नहीं बाद में आपको मौका मिले। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसे तो उठे। मेरे ख्याल में मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं डॉक्टर साहब को भेजता हूं। बात सुनो, तुम खुशी मोहम्मद को ढूंढ रहे हो? वो असल में बात मेरे हाथ से निकल गई। वो कैसी बात है? क्या हुआ? ये जी, बसंती के बेटे का बाप मिल गया जी। अब वो खुशी मोहम्मद बसंती को रख के क्या करेगा? अच्छा अच्छा, मतलब की बात कर। मतलब की बात यह है कि अब वो खुशी मोहम्मद बसंती को तलाक दे दे और बसंती अपने बेटे के बाप के पास चली जाए। बस बुजुर्गा, ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल है? खुशी मोहम्मद ने निकाह किया है उसके साथ, बसंती के साथ। बस साहब जी, उसको बता देगा कि वो अपने बेटे की शक्ल कभी भी नहीं देख सकेगी जिंदगी में। चल चल यहाँ से, बेटी की ऐसी बात करते जैसे मंडी में मूली गाजर का भाव लगाते। चल। हाँ, कहना सो खुशी मोहम्मद के पसंदी से बात कर ले। I'm sorry, Nafisa Begum. बेगम का रिकॉर्ड सुन रहा था, सुई क्यों रुकी? साबरा, जाओ उसे उठाओ। वो देखो ड्यूड़े पे कोई आया है, शायद शायद उसका बेटा हो। साबरा,
करूंगी इसकी जायदाद लेकर। मुझे इसके जायदाद नहीं, अपने अपनी जिंदगी चाहिए। जो सापरा उसे उठाओ, उसे उठाओ सापरा। अभी तो ये रोशनारा बेगम का रिकॉर्ड सुन रहा था। सुई क्यों रुकी साबरा? जो उसे उठाओ, वो देखो ड्यूटी पे कोई आया है, शायद शायद उसका बेटा हो। साबरा मैं क्या करूंगी इसकी जायदाद लेकर? मुझे इसकी जायदाद नहीं, अपने अपनी जिंदगी चाहिए। जो सापरा उसे उठाओ, उसे उठाओ सापरा। अपना सब कुछ भूल जा, जो हुआ सब खाब था। खाब तो ये है कि अब शुरू हुआ है वो सब तुम्हारी गुंडे। तू अब खान की बीवी बनने वाली है, बेगम बनेगी तू। तू 12 साल की थी जब इस हवेली में आई थी। माँ है, मैं भी किसके लिए मैं करूँ, किसके बताऊँ? यतीम लड़की को वो क्या चाहिए? आसरा मिल गया तुझे, इतनी बड़ी जायदाद किस्से में आएगी? इतनी जायदाद में तो बात मुझसे कई गुना अच्छी लड़की खरीद सकता है। तू तो चांद का टोटा है। काश मैं खूबसूरत होती। अच्छा चल तैयार हो जा खाना आने वाले। आगरा ये लो ये जो राइस खाना। अच्छा तुम इसका की बड़ी हो? ठीक है। नफीसा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। जनाजे के लिए फोन नहीं लग रहा है। अब तक नाराज हो? भूल जाओ जो कुछ हुआ। देखो तुम्हारी किस्मत मेरे साथ है। सागर इससे कहो जो मुझसे नहीं मेरी लाश की शादी कर रहे हैं। तेरे खुशी मम्मर वो प्यो आया था तेरा सौदा करने। क्या कह रहे? बापा आया था किधर है? क्या कह रहे? वो कहता है कि अगर तू ना शाम वापस आई है तो फिर दुनिया ने पास जाना होगा। कैसी बात करे? मैं कुछ चूल्हे पर रखी हांडी हूं, जब चाहे ऊपर रख दिया, जब चाहे नीचे उतार दिया। यार क्या था ब्याह मेरे साथ अगर तेरा
रुलिया ने साथ को रिश्ता था। खुशी मोहम्मद, मैं रुलिया के साथ सारे रिश्ते तोड़ के तेरे पास आई थी, फिर की तेरे से शादी। तो फिर क्यों आता है तेरा नाम उसने नाम के साथ? औरत का क्या है खुशी मोहम्मद, एक बार एक आदमी के साथ उसका नाम लग गया तो मत की तरह सारी जिंदगी लगा रहेगा। तो मत ना यार, मेरा क्या कसूर है? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगे किसी दूसरे मर्द का नाम मेरी औरत के साथ आए? मट्टी से कोई चीज उठावेगा तो उसे मट्टी तो लगी होगी, क्यों? और मैंने तो मट्टी अच्छी तरह साफ की थी, फिर किधर से लग गई? फिर बता क्या करो? बता क्या बताऊं, अब तो औलाद भी ताने देने लग गई है। मैं भी कैसी सुहागन थी, अब बेवा हो गई। कैसी किस्मत लेके आई हो बीबी, तुझे तो कोई भी मोहब्बत नहीं मिली। मोहब्बत को दूर से देखा है, बस एक किनारा देखा है उसका। बस मैं भी आपकी वजह से यहां रह गई। साबरा, अब मैं किससे लड़ूंगी, कौन सुनेगा मेरी बातें? खान जिंदा था, तो कितना अच्छा था। मरने वाले के साथ सब बातें मर जाती हैं बीबी। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं साबरा, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, बस खाली खाली कमरे हैं इस बर्फखाने में। हर तरफ काफूर की बुआ है। चल बीबी ऐसी ना सोच, हौसला रख। साबरा, सब कमरों को ताले लगा दो और बत्तियां बुझा दो, बस एक खान के कमरे की बत्ती जलने दो। रोकें बीबी, सारी हवेली एक कब्र ही तो है, एक दिया तो इस पे जलना चाहिए। जाओ साबरा, मुझे अकेला छोड़ दो। कसम अल्लाह पाक की, जब आपने वो मोटरसाइकिल वहां बैठ के चक्कर फेरिया चली ना नो करके, मैंने तो नो लगा जैसे जमीन पूरी गुड़गुच्ची की तरह लोटनिया खाई है। शुक्रिया जी। अजी नहीं, शुक्रिया कौन सी बात है, अब बिस्कुट खाओ ना आप। शुक्रिया। स्पेशल बनाए हैं रोजी जी। ये पेस्ट्री वेस्ट्री खाओ नी, अपन बनाए खुद अपने हाथ से। चुप कर जा, गना नान भाई बनता है, सोचा मार जाता है। अजी आप खाओ पेस्ट्री, मैंने आपके लिए मंगाई स्पेशल। नहीं जी शुक्रिया, मैं डाइटिंग करती हूँ। है जी, डेंटिंग क्या हुआ? अरे उस्ताद इंग्लिश बोलती है। अरे डेंटिंग नहीं होती है वो, हथौड़ी वाली वो करती है। हथौड़ी वाली? अरे नहीं भाई जाहिल, अंग्रेजी माँ सुर्खी पाउडर को डेंटिंग बोल रहे। अरे नहीं उस्ताद, उसको तो पेंटिंग बोलता है, पेंटिंग। अब चुप कर। नहीं नहीं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने के लिए स्लिम बॉडी की जरूरत होती है। अल्लाह भला करे, देखा ना, ओए फिल्म बॉडी की जरूरत होती है, डेंटिंग फिल्म बॉडी। अरे उस्ताद, अरे गोडू को तो देखो। ओए ओए ओए, गोडू मर गया। ओए जा, यह तो बुत बन गया, इसको फट्टे पर खड़ा करके इस पर हार डाल दे। अरे उस्ताद देख गया, अरे जब भी ये रोजी को देखते नहीं टेढ़ा हो जाता है।
ओ जी मिश्रो जी, इसका बोलो ना मानना जी, ये बच्चा है, बट्टा मार के रूपा मांग लेता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे शुक्रिया कहती हूँ। कसम से ये गोडू मेरे हाथ से मर जाएगा किसी दिन। अब्बा सबर कर जा मिश्रो जी, वो बात कर लूं। मिश्रो जी, मेरा जी घना दिल करता है कि किसी दिन आत्मा नो बंदूक पकड़ के, खूब पकड़ के, कान में फूल लगा के आपके साथ एक तस्वीर खिंचवा लूं जी। अच्छा जी शुक्रिया, मेरे शो का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। बाय बाय। अच्छा जी, गोडू जिंदा हो गया, पीछे पीछे जा रहा। ओ मेरी बात सुन, ओ चुड़िया वाले क्या देख रहा, तुझे भाई भाई कह दिए। अरे नहीं उस्ताद, मछली नहीं करो, वो तो इंग्लिश बोली है, गुड बाय गुड बाय। अब ओ घने अंग्रेजी वाले, ओ मन अंग्रेजी ना सिखा कर, चल फटे में बैठ, लॉस बैठ कर ट्रेन हो रहा है, चल निकल। मैं देखा हूं रोज बरोज सो बिजनेस को डाउन जरा। सुखिया तुझे बताने आया हूँ कि मैं किधर जा रहा हूँ। हाँ कहाँ जा रहा है, जल्दी बोल। मैं उधर पुल के पास जा रहा हूँ, उसके पास दरबार है ना, उसके बाहर तुझे मिला करूँगा। हाँ बोल, कोई सुन लेगा, चल पैसे निकाल। बस ये इतने ही है। बस ठीक है, ठीक है, तू जाओ। रठेर, ये तो सामू है बसंती का बेटा, तू उसको ममता बना दिया। और तू कौन होती है पूछने वाली, चल। देख सुखिया, मैंने सब पता है, ये बेटा रुलिया का है। ना, तू रुलिया को कैसे जानती है। मैंने सब पता है, अब मैं चुप ना रहूंगी, रुलिया के बेटे को ममता बना दे, अब मैं जाके उसको बताऊंगी। रुलिया उठ जा, आधा दिन चढ़ाया है। और दिन चढ़ाया कौन आया? ओ सवेरे सवेरे क्या लेना अभी? तू सोता रहेगा, तेरा सब कुछ लूट के ले जाएगा वो सुखिया। सुखिया पहले ही सारा कुछ लूट के लेगा, ये और क्या लेगा। तू बोले था तेरी बसंतों से शादी हुई थी। हुई थी, पर यही सुखिया ले गया था सवेरे सवेरे भगा के उसको। तुम्हें पता है तेरा एक बेटा भी है। कहाँ पर है? उसका नाम सामू है। कहाँ? बसंती ने लुका दिया। ना ना, वो सुखिया के पास है, उसने उसको ममता बना दिया, टांग भी तोड़ दिया उसकी। सुखिया सुखिया, इतना जहर तो काले नाक में भी नहीं होता रे जितना तेरे माँ है। वो है कहाँ, तुम्हें कैसे पता चला? है वो लैनो के पास हो गए, तो उसके ऊपर जल्दी से चला जा, नहीं तो वो भाग जाएगा। क्या है उस्ताद, सवेरे सवेरे क्या मुसीबत है अभी, क्या है? चुड़िया वाले नौकर वो जो तोड़ वाला है ना, उसको
पिंजरे से बाहर निकाल कर। क्या? हाँ। ये क्या बोलता है उस्ताद? बड़ी उसी पे तो सारा टिकस बिकता ही नहीं। नहीं रे, नहीं चुड़िया वाले, किसी ने मेरे बेटे पर टिकट लगा दिया। रेडी में डाल के गली गली गांव गांव शहर शहर में मेला लगा दिया। उस्ताद अभी क्या बोलते नहीं, भी सही बोलो नहीं, लफड़ा क्या है, क्या चक्कर है? छुटे वाले मैंने किसी के बेटे पर टिकट लगाई थी, किसी ने मेरे बेटे को कैद कर लिया रहा। देखी कैसी कुदरत है उसकी। उस्ताद अभी देखो, अभी अपन को सच सच बताऊंगे, अभी लपड़ा क्या है, किस्सा क्या है। रब रब किस्सा कुछ भी हो तो लोकर तो जल्दी से जा, उसको दो दरवाजे कचरे से बाहर निकालते हैं यार। ये क्या उस्ताद, हम निकाल देते हैं, निकाल देते, वो नभी निकाल देता उसको। हाँ चिड़िया वाले, रब अभी तो किसी का बच्चा है ना, इंसान का बच्चा है, तो डर वाला है तो फिर क्या हुआ। मैं जरा सुख्या को देख लूं। सुख्या बाप के कहां जाएगा, तेरी बोटियां काट के अपने चुड़िया घर के जनोरों को खिला दूंगा। बोल बोल, कहा मेरे बेटा, बोल। अरे छोड़ मुझे, कौन सा बेटा, किसका बेटा? रा सुखिया, रा इतनी नहीं मानता, इतनी नहीं मानता। रा बतला दे कहा मेरा समका। अरे मुझे छोड़ तो सही, बताता हूँ बताता हूँ, छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ। बोल बोल, कहाँ मेरा सामो? मैंने बसंती को उसके करतूत की सजा दी है, मुझे उसे बेच दिया है। बेच दिया? हाँ हाँ, मैंने वो बेच दिया। मैं गुस्से में था, मैं भूखे से, मैंने बेच दिया। ये ले ये ले ये ले ये बचा है, ये ले ये ले ये ले। सब तने बेच दिया, सामने को 100 रुपये में बेच दिया, रे 100 रुपये में बेच दिया। इतना मत तो बंदरी का बच्चा भी नहीं मिलता रहा, इतने मत बंदरी का बच्चा। बोल बोल बोल, कहा मेरा सामू? मैंने कुछ दिन दे दिए, मैं ला दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरा बेटा ला के दे मैंने, चल मेरा बेटा ला के दे। अरे जो मर्जी कर, जिधर मर्जी ले चल मैंने, और इस तरह तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं। चल 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 जा, मेरा बेटा ला के दे, चल जा बेटा ला के दे। मैं जी तेरा जो थक गए ऐसे कर, बेटी अपने सामने उतरवा के खुद जा, 1 किलो दूध पत्ती जबरदस्ती बनवा के ला, खुद आनी हथी। भाजी आज तो इतना थक गए जी, आपका क्या ख्याल है कि सेब ना डो डो के खाने दूध पत्ती? चलो दो पास कर। बसंती को लेने नहीं आया,
मैं अपने सामू की अपने बेटे की मां को लेने आया हूं। ओ यारा, ओए तेरा वो सद कोई रिश्ता कोई तलक नहीं है। असल रिश्ता तो इबली खड़ा है खुशी मोहम्मद, पहले वाला तो घना कमजोर रिश्ता था यार। ओ भाई, भाई जिसने तुझको ये खबर दी है उसने यही बताया कि तेरा पुत्र बसंती में कुल नहीं। मैंने किसी और से क्या लेना है, मैं तो बसंती से अपना बेटा लेऊंगा। बल्कि इब तो बसंती पर मेरा ज्यादा हक निकलता है। जा यार, जा या कानून से बात कर, फिर सुन वो क्या कहता है। कानून को क्या खबर, क्या खबर है कानून को, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अला जुल्फे जुल्फा थारे जो जल मेरा मगज धक्का। आपका इस दुनिया में कोई नहीं? बस एक मां थी मेरी, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, उसने सबसे चोरी मेरे बाप से शादी कर ली। आपका अब्बा क्या करता था? वो बहुत बड़ा आदमी था, उसने घरेलू दबाव में आकर मेरी मां को छोड़ दिया। वो मुझे वहां से लेकर अपने पुराने घर आ गई। वो मुझे पढ़ाना चाहती थी। आई फिर आप रुक क्यों नहीं? खान से मेरी मां की वाकफियत थी, खान ने मुझे पढ़ाने का जिम्मा लिया और यहां ले आया। फिर तो आपकी अम्मी दो चार दफा मिलने के लिए आई, फिर सुना कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली गई, फिर नहीं आए। तो आप इधर हवेली में रहे? यहां खान की बीमार बीवी रहती थी, खान उससे बुरा सलूक करता था, फिर उसे पागलखाने पहुंचा दिया जहां वो मर गई। खान साहब की कोई औलाद, कोई बेटा बेटी कोई नहीं? एक बेटा है, खान ने उसे वजीफा दिलवाकर अमेरिका भिजवा दिया और खुद आपसे शादी कर ली। उस वक्त से लेकर आज तक उससे मोहब्बत कर रही हूं, अपने आप से मोहब्बत भी तो एक मर्ज है। मैं चलूंगा। साबरा इन्हें बाहर तक छोड़ो। तो इधर क्यों आया चोरों की तरह? मुझे एक जरूरी बात करनी थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गए? वो मेरा अब्बा है ना जी, वो मसरूफ है बहुत, मासी आएगी मेरी। ते चला जा, हरगिज ना आइयो, जा अपनी मासी को भेज। पापी हाँ, इसे कह दे अब जाए। जा चला जा अब्बा, चल जा जा जा, जा।